साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। 10 के दंगल में आज बहस होगी उस सोच पर जो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत घातक है, उन बयानों पर जो एक बार फिर से यूपी से पहले यूपी को दहलाने और भड़काने और आगजनी और हिंसा में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार कट्टरवादी सोच और हिंदुत्व के खिलाफ अपना एजेंडा चला रहे हैं, आज वो कह रहे हैं भड़काऊ बयान देते हुए कि मुसलमान हिंदुस्तान में हिस्सेदार है, किराएदार नहीं है। साहब ये बताइए कि किसने कहा था कि हिस्सेदार नहीं किराएदार? यूपी में वोट पाने के लिए ओवैसी की हेट स्पीच लगातार सामने आ रही है। 100 सीट जीतने के लिए बंटवारे वाली राजनीति असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। याद होगा कि जब जिन्ना के मजहबी आधार पर मुसलमानों के लिए अलग देश मांगा तो भारत को तोड़कर पाकिस्तान बनाया गया और तब ज्यादातर अमीर और सुविधा संपन्न मुस्लिम पाकिस्तान चले गए। भारत में जो भी मुस्लिम आबादी रुकी उसमें ज्यादातर गरीब और मजदूर लोग थे। भारत की बहुसंख्यक हिंदू आबादी ने उन अल्पसंख्यकों को पूरा अपनापन दिया, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर तरक्की के लिए पूरा माहौल दिया गया और संविधान में किस तरीके से उनकी हितों की रक्षा की गई है वो जब जाहिर। लेकिन बावजूद उसके असदुद्दीन ओवैसी साहब की जहरीली जुबान एक बार फिर से भड़काने का काम कर रही है। पहले रिपोर्ट, फिर देखिए 10 का दंगल। सर्वोच्च पदों पर भागीदार फिर कैसे किराएदार? संविधान में अधिकार फिर कैसे किराएदार? मुसलमानों की पिच ओवैसी की हेट स्पीच। हम हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, बराबरी के शहरी हैं। नफरत वाली बीमारी, देश में मांगे हिस्सेदारी। यूपी के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, भड़काऊ भाईजान मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं बवाल कराने के लिए, बरगला रहे हैं हिंदुस्तान पर सवाल उठाने के लिए। वतन अजीज के 18 करोड़ मुसलमानों, हिंदुस्तान में हम किराएदार नहीं हिस्सेदार हैं। वो मांग रहे हैं देश में हिस्सेदारी क्योंकि उन्हें लगी हुई है नफरत वाली बीमारी। वो जानते हैं कि नफरत न फैलाएंगे तो वोट न मिल पाएंगे, इसलिए यूपी की जनता को बरगलाने की कोशिश जारी है, समाज में द्वेष फैलाने की कोशिश जारी है। मुसलमानों को किराएदार बताकर लोगों की भावनाएं भड़काना चाहते हैं, वोट के लिए किसी भी हद तक चले जाना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, बराबरी के शहरी हैं। इख्तदार किसी के पास होगा मगर तुम मुझे हिस्सेदार और हिस्से से नहीं हटा सकते। तुम मुझे किराएदार का रुतबा नहीं दे सकते, तुम मुझे नीचे नहीं गिरा सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान है। हिंदुस्तान में अभी आईन जिंदा है। 300 जीतने से कोई आईन के हुकूक मुझसे नहीं छीन सकेगा, वो आईन के हुकूक हमसे नहीं छीन पाएगा। क्योंकि उन्होंने यूपी के चुनाव में 100 सीट पर दांव चलाए, मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत दर्ज कराने की कोशिश है, कहीं एसपी और बीएसपी के चलते वोट बट न जाए, इसलिए मुसलमानों को भड़काकर अपने पाले में करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। हालांकि बीजेपी ओवैसी की हेट स्पीच का हमेशा से विरोध करती रही है। बीजेपी हमेशा कहती रही है कि देश में भड़काने की राजनीति नहीं चलेगी। See, as far as Mr. Asadudin Owaisi is concerned, he is in the mainstream polity of India, so with utmost respect I say that in the present political scenario, I see him as a neo-Jinnah, N-E-O-Neo-Jinnah, because this policy of playing a minority politics, this policy of instigating our Muslim brothers and sisters to break away from the mainstream is a very dangerous one. 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 312 सीट पर जीत दर्ज की थी और अब ओवैसी दंगों वाली जुबान बोलकर लोगों को भड़काना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूपी में बवाल हो जिसका फायदा ओवैसी की पार्टी को हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल सीधा सा यही है कि ओवैसी साहब आखिर इतना जहर चुनाव से पहले क्यों उगल रहे हैं? तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय, उसके बाद 10 के दंगल की शुरुआत करेंगे। प्रशांत वशिष्ठ जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, कपीश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, विनय सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ
नदीमुद्दीन सिद्दीकी साहब समर्थक है AIMIM के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद जवाद साहब एक्टिविस्ट के तौर पर हमारी डिबेट का हिस्सा होंगे। बहुत बहुत स्वागत सभी का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। नदीमुद्दीन साहब मैं आपके पास आ रही हूं। भारतीय लोकतंत्र में सभी के लिए समानता का सिद्धांत है, ओवैसी साहब भी इसकी दुहाई लगातार देते हैं, भारतीय जनमानस ने इसको जी के भी दिखाया है। चाहे वो अंग्रेजों की गुलामी का दौर, चाहे मुगलों की गुलामी का दौर हो, सामाजिक आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़ गए थे उन्हें संविधान में सहूलियत दी गई है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, जिन्हें आज भी अल्पसंख्यकों वाली सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिन्हें आज भी अपनापन महसूस कराया जा रहा है। लेकिन क्यों ओवैसी साहब को ऐसा लगता है कि वो किराएदार खुद को महसूस कर रहे हैं और दावा करना पड़ रहा है कि हम हिस्सेदार हैं? देखिए, मेरा सीधा सवाल है, क्यों पार्लियामेंट में मुसलमानों की तादाद घट रही है? सरकारी नौकरियों में कितने मुसलमान हैं? क्यों असेंबलियों में तादाद घट रही है? भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, यूपी में कितने मुसलमानों को उन्होंने मिनिस्टर बनाया है, कितने मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया है? अभी जो कैबिनेट में उदाहरण के लिए आपके सामने होंगे, नकवी साहब आपके सामने होंगे, रोमाना सिद्दीकी को आप जानते होंगे, महिला मोर्चा का एक प्रभार उनको दिया गया था। इनको मुसलमानों का चेहरा ही क्यों आप बता रहे हैं? ये तो मुसलमानों का चेहरा कब रहे हैं? मुसलमानों तो सर आप दे रहे ना, मैं तो मुसलमानों की बात कर रही हूँ। और आपने कहा कि इतनी संख्या कम क्यों है, तो साहब आप लड़ लीजिए चुनाव, कौन मना करता है? आप लड़िए ना चुनाव, आप जीतिए, क्योंकि बीजेपी अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो वो कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं कि हम तो इस्लामिक एजेंडा चलाएंगे, तो फिर इस्लामिक अगर एजेंडा चलाएंगे तो आपको पता है फिर सबका साथ कैसे आपको मिलेगा? यही तो झूठ है। अगर भाजपा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बोल रही है तो भाजपा मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती है? आसाम में क्या हुआ बताइए, कहां बंगाल में क्या हुआ, यूपी के अंदर कितने मुसलमानों को मिनिस्टर बनाया? जो मिनिस्टर बने हैं मोहसिन रजा, आरएसएस के जूते उठाने वाले, इन लोगों को मुसलमानों से क्या लेना देना? कौन सा मुसलमान? अगर कोई जहर ना उगले, अगर कोई सामाजिकता की बात करे तो आपको लगता है कि वो फलाने के जूते उठा रहा है? ये सर आपके चश्मे की प्रॉब्लम है ना, आप नहीं समझते। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप किराएदार हैं? आप बताइए कि जब जिन्ना की सोच पर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जाहिर है कि ज्यादा जो अच्छे घराने के जो अमीर लोग थे वो पाकिस्तान चले गए थे, जो मुसलमान यहाँ बचे वो बहुत गरीब तबके मजदूर तबके के बचे। उनको यहाँ हिंदुओं ने अपनापन दिया, उनको सहारा दिया, उनको सारी सहूलियतें दी, उनको सुविधाओं का इतना अभाव ना रहे, संविधान में उनके जो भी राइट है उनके सुरक्षा के लिए उनको राइट दिया गया। बावजूद इसके आप कहेंगे कि हम किराएदार नहीं है हिस्सेदार है, तो कौन कहता है कि आप किराएदार हैं? बताइए ना मुझे, क्या पागल मानसिकता है कि हिंदुओं ने दिया? हिंदुओं ने संरक्षण नहीं दिया, देश के संविधान ने दिया, हमारे बाप दादा ने देश को बलिदान दिया, यही आप लोगों की मानसिकता है कि हिंदू हमारी संरक्षण करेंगे? हिंदू कौन होता है संरक्षण करने वाला? हमारा संरक्षण संविधान करेगा, हम देश की रक्षा करेंगे, देश के लिए हमने बलिदान दिया, यही वो मानसिकता है। आपने सुना ही नहीं मुझे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप अपना एजेंडा चलाते हैं। मैंने यही कहा कि संविधान ने ही आपको अधिकार दिया है, वो संविधान जो पाकिस्तान को अलग करने के बाद बना, उसमें आपके अधिकारों की सुरक्षा की गई, ये ध्यान रखा गया कि आप हिंदुस्तान की हिस्सेदारी में जो दावा कर रहे हैं उसमें आपको करने की जरूरत ही नहीं है। संविधान आपके अधिकारों को संरक्षित करता है ना सर, मैं यही बात कह रही हूँ। ये ओवैसी साहब को फिर क्यों नहीं समझ आता? हमने देश के लिए बलिदान नहीं दिया, जिन्ना ने बंटवारा नहीं करवाया, गांधी क्या कर रहे थे? गांधी थे, नेहरू थे, हिंदू महासभा थी, मदन मोहन मालवीय थे, एक जिन्ना ही बंटवारा चाह रहा था, गांधी ने बांटा। ओवैसी साहब के इस बयान से क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो? हालांकि जब वो ऐसे बयान देकर मुसलमानों के मसीहा बनने की बात करते हैं तो इसका उदाहरण मुझे बंगाल भी याद आता है, जहां उनके तंबू उखाड़कर मुसलमानों ने ही फेंक दिए, दिखा दी उनको ये आपकी असलियत कि आप ये देखिए ये चेहरा आपका, जाइए यहां से। कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको बिहार की तरह मिल जाएगी, लेकिन इन बयानों का चुनाव से पहले क्या मतलब है? 20% ये सियासी सेक्युलर गैंग के नए सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा जिस प्रकार की राजनीति करते रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति, अब उसकी उसको मुस्लिम मुसलमान के नाम पर अपनी दुकान को चलाने का प्रयास अब ओवैसी साहब यूपी में करना चाहते हैं। घोर
कट्टरवादी नेता है, मुसलमान के नाम पर अपनी दुकान चलाने का इनका प्रयास है। जहां तक विषय है हिस्सेदारी का, तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 50 लाख मकान बनाए गए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के, अभी जब कोरोना हुआ तो हम लोगों को पार्टी ने काम सौंपा था कि हम जाकर गरीब बस्तियों में जाएं या वैसी हर जगह जाकर देखें कि कहां कहां क्या क्या स्थिति है। तो एक मीरा मोहल्ला है हमारे अनूप शहर में, वहां मैं गया था तो उस वहां पर मैंने देखा कि मुसलमानों के कम से कम 150 मकान नए बनाए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ऐसी कौन सी सरकार हुई इसने मुसलमानों को मकान बना कर दिया, इतना बड़ा सपना अपना किया और बिना किसी भेदभाव के किया, चाहे फ्री गैस कनेक्शन हो चाहे फ्री विद्युत कनेक्शन हो। 13,618 करोड़ की छात्रवृत्ति बांटी है जिसमें हमने मुसलमान छात्र के लिए अलग से प्रावधान किया, लगभग विधवा पेंशन बांटी है, वृद्धावस्था विधवा और निराश्रित की जो पेंशन हमने बांटी है उसमें मुसलमानों का बड़ा हिस्सा हमने रखा है। 2,61,00,000 हमने शौचालय बनाए हैं जिसमें हमने बिना किसी भेदभाव के सबसे ज्यादा अगर हिस्सेदारी किसी की है तो नदीमुद्दीन साहब 10 सेकंड में जवाब, फिर आगे बढ़ रही हूँ। तो ये तो केवल मुसलमान के नाम पर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं इन्होंने, इन लोगों ने, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भी असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ठीक सर, केवल नारे मुसलमान को मुख्यमंत्री खत्म कर दिया मोदी ने और कहा गया कि हर सब्सिडी का पैसा मुस्लिम महिलाओं पर खर्च किया जाएगा, क्यों आपने खर्च नहीं किया, क्यों आप बोलते हैं के साथ। भाजपा ने मुसलमानों को हाशिए पे कर दिया है, भाजपा ने मुसलमानों को एकदम अलग थलग कर दिया है, भाजपा ने मेरी पार्टी मुसलमानों को बाहर कर दिया है। आपको शर्म नहीं आती? विनय सिंह जी कराते हैं आप, विनय सिंह जी, भारत अगर मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं होती तो आप भी जानते हैं कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बनता सर। एक सेकंड, मुसलमानों को गालियां देते हैं, एक सेकंड सर, न केवल एक तिहाई हिस्सा दे दिया बल्कि बचे हुए यानी कि जो यहाँ आज मुसलमान है भारत में उनको बराबर का शहरी बनाया गया है। सीधा सवाल है कि आज किराएदारी और हिस्सेदारी की बात क्यों सामने आ रही है, क्यों ओवैसी साहब एक बार फिर जिक्र कर रहे हैं? हिस्सेदारी थी ना सर, तभी तो पाकिस्तान बांग्लादेश बना और आज भी जो बच्चे हैं उनको बराबर का शहरी बनाया गया है। फिर ये ऐसे बयानों की जरूरत विनय साहब क्यों पड़ रही है ओवैसी साहब को? किसने बनाया? आपने बनाया? अरे सर, जिस भारत में रह रहे हैं उस भारत का जिक्र कर रही हूँ मैं, या आप कोई अलग नहीं है, उस भारत का हिस्सा है, भारत माता के हम लाल हैं, चाहे आप हो या मैं हूँ। भेदभाव होता तो ओवैसी साहब इतने जहरीले बोल नहीं बोल लेते। संविधान का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वही संविधान अधिकार दे रहा है और यही हिस्सेदारी दे रहा है कि आप जहर उगल लीजिए। विनय साहब को रखिए। लक्ष्मी जी, जब जब इनकी बात आती है ना ओवैसी साहब की, तो कहते हैं पढ़े लिखे मुसलमान या बैरिस्टर ओवैसी साहब। मैं बताता हूं कि इन पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया था। ओवैसी साहब के जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पर थे रहमत अली चौधरी। पहली बार जो पाकिस्तान शब्द जिसकी कलम से निकला उस व्यक्ति का नाम था रहमत अली चौधरी, वो बैरिस्टर थे, लंदन से पढ़ाई कर रहे हैं, उसी पे पाकिस्तान डिक्लेरेशन बना और बाद में देश बटा। मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी उन्हीं के गुरु की तरह थे, ये भी बैरिस्टर ही थे। मोहम्मद इकबाल साहब, जिन्ना के गुरु, जिन्होंने की जिन्ना को चिट्ठियां लिख लिख करके कि सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा भी लिखा, सारे जहां से पाकिस्तान हमारा भी लिखा। देखिए, मैं ये कहता हूं कि बार बार इनके पढ़े लिखे होने की दुहाई मत दीजिए। बहुत पढ़े लिखे ऐसे मुसलमान है जो कि जाकर के आईसीस ज्वाइन कर गए। मैं तो एक बात कहता हूं कि देखिए, जो इस देश को अपनी मां मानता है, उस देश का हिस्सेदार है, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हिंदू या मुसलमान जो इस देश को अपनी मां नहीं मानता है वो किराएदार होने का भी हकदार नहीं है। दूसरा, जो अशफाकुल्ला खान जो अब्दुल कलाम जी को हीरो मानता है वो इस देश का हिस्सेदार है। जो ओवैसी, रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और इकबाल जैसे लोगों को हीरो मानता है वो इस देश का किराएदार है। मैं तो कहता हूँ किराएदार भी नहीं है। तो बड़ा क्लियर कट डिफिनेशन है, हिस्सेदार अगर है सर, तो आपकी जिम्मेवारी स्टडी करिए। नफरत के खंजर से ओवैसी हिस्सेदारी का कौन सा जहर घोलना चाह रहे हैं? मकान में है, कल उस मकान में हो। ये नफरत के खंजर से ओवैसी साहब कौन से हिस्सेदारी का जहर घोलना चाह रहे हैं? देखिए, तो घर साफ भी है, घर के पत्तेदारी भी है और किराएदार की कोई दिक्कत नहीं है साहब। और यहाँ किराया दिया, यहाँ रहा, दूसरे जगह में अब गया, दूसरे जगह रहेगा। मेरी बहन, जो मेरे भाई ये बात बोल रहे थे, इनको शायद पता नहीं है 55%
55% मुसलमानों ने हिंदुस्तान को चुना और जिना के उस बनाए हुए पाकिस्तान को लात मार दी। ये इतिहास है मुसलमानों का। अरे आप भाई आपको है। नहीं मालूम है सही जी जब पाकिस्तान में वोटिंग हो रही थी तो भारत के 80% मुसलमानों ने उनके पक्ष में वोटिंग किया था। गलत है पहली चीज। अब मैं भाई जाता हूँ मुसलमानों की बात साहब झूठ बोल रहे हैं। लीजिए थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। मैंने जब जब पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग हो रही थी तो इस देश के 80% वोटिंग किया था। सैयद साहब हिस्सेदारी की एक वक्त आवाज उठाकर वो शख्स जिसने हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांटने की साजिश की थी वो जिन्ना था। 20% मुसलमानों आज कौन से हिस्सेदारी का जिक्र करके जहरीली तकरीर सामने रख रहे हैं। लेकिन मैं देखिए सामाजिक बात करता हूँ और एक मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मैं उस नाते बता रहा हूँ, मैं आपको फिर समाज की बात बता रहा हूँ। मैं मुसलमानों बस्तियों में बहुत जाके काम करता हूँ। आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो हमेशा इख्तदार में उन लोगों को बैठालता है जो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स करते हैं। हमेशा मुसलमानों ने अपना रहनुमा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बसपा कांग्रेस पार्टी को चुना है, ठीक है, चाहे बिहार हो चाहे बंगाल के अंदर भी चुना है मेरे भाई है। अब आप समझिए ये पॉलिटिकल सिनेरियो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुसलमान संविधान पढ़ रहा है, मुझे हाँ। मुसलमान एजुकेशन भी हासिल कर रहा है अगर और मुसलमान अपने पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहा है क्योंकि उसे कहने की जरूरत ही नहीं थी। एक सेकंड सैयद जब्बार साहब सुन लीजिए सर, 70 साल मुस्लिमों को लेकर एक सेकंड सैयद साहब भाषण समझ रहे हैं, डिबेट है, आपको पता होगा कि बीच में रोकने टोकने की प्रक्रिया इसमें चलती है और एंकर को अधिकार होता है। भाषण समझ रहे हैं सर, सुन लीजिए जरा, आपको बात कर रहा है, जब्बार साहब सुन लीजिए, आपको बात कर रहा है, जब्बार साहब सुन लीजिए जरा, ये भाषण समझ नहीं है सर, समय बहुत कम होता है, कपीश साहब भी इंतजार कर रहे हैं। कपीश जी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को अब तक चुना लेकिन इस बार पहली दफा हो रहा है जब संविधान का हवाला देकर जहरीली तकरीरें पढ़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। हिंदुस्तान में मुसलमानों को लेकर सरकार का और हिंदुस्तान का क्या रुख रहा है यह इस बात से साफ होता है। जब बात साहब बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, आप लोग कोई भी रूल फॉलो नहीं करते, यही प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि बाकी लोग भी हैं उनसे सवाल करने दीजिए, आपको मैंने वक्त दिया ना सर, इंतजार करिए, बीच में क्यों टोकते हैं आप। आपकी वॉइस कम मिल रही है, थोड़ा सा अपनी वॉइस को बंद करिए तो मेरी आवाज वहां पहुंचेगी आप तक, रुक जाइए। कपीश साहब कह रहे हैं कि अब तक संविधान नहीं पढ़ा था, अपना मसीहा अब तक हमने समाजवादी पार्टी को चुना, अपना मसीहा अब तक हमने बीएसपी को चुना, लेकिन अब ओवैसी साहब मैदान में आ गए हैं संविधान की तकरीरें वो भी अपने हिसाब से इस्लामिक कट्टरपंथ और हिंदुत्व के खिलाफ जहरीली तकरीरें देकर। क्या सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही हो रहा है क्या? लक्ष्मी जी, फायदा नुकसान बाद में चर्चा कर लेंगे क्योंकि हम तो राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं, व्यापार का नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आज भारत और भारतीयता की बात होनी चाहिए, आज देश और हमारे देश के अस्तित्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि बात जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शुरू हो जाती है जब हमारे भाजपा के नेता विनय सिंह और प्रशांत साहब जो है हमारे प्रवक्ता बोलने के बाद कहीं ज्यादा बाद हमारी बारी आती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यूनान रोम मिश्र सब मिट गए जहां से, मगर अब तक है बाकी नामो निशा हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। अगर आज ये भारतीयों के रग रग में ये शहर शहरी बहती है तो ये इस देश की, इस मुल्क की गंगा जमुनी सभ्यता की कहानी को कहती है। और हम एक बात कहते हैं, इस देश को ना मुसलमानों को खतरा है और ना इस देश के हिंदुओं को खतरा है, ना किसी काम को खतरा है, ना किसी जाति को खतरा है, ना किसी धर्म और संप्रदाय को खतरा है, ना किसी वर्ग को खतरा है, ना किसी भाषाई को खतरा है। अगर यहां खतरा है तो यहां पे संप्रदायिकता फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी और उनसे नूरा कश्ती लड़ने वाले पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या आपको? कभी सब ओवैसी साहब ने क्या रामचरित मानस पढ़ लिया क्या? बात आपको मैं कह रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं करेगा ये देश का हिंदुस्तान। हाँ। और देश का हिंदुस्तानी नहीं बर्दाश्त करेगा। भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी साहब खेल रहे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरा प्रदेश देख रहा है, भारत का विकास नहीं करेगा।
जिसमें जो आइन के लिए जो हमारे मुल्क के लिए विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं लक्ष्मी जी, उस पर बात नहीं होनी चाहिए। नदीमुद्दीन जी को रखिए इनके साथ। पे बात नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात नहीं होनी चाहिए। अरे सर वो तो कह रहे हैं कि आपको भी चुना लेकिन आपने मुसलमानों का भला नहीं किया यूपी में। सर जवाब तो देना पड़ेगा ना, सत्ता में तो आप भी लंबे वक्त तक रहे हैं। अब तो वो ये कह रहे हैं कि खजूर खिला के या टोपी लगा के कव्वाली गा के भी आप नहीं चुनाव लड़ सकते, आप नहीं वोट ले सकते। और वो कह रहे हैं कि अब तो हम संविधान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नदीमुद्दीन साहब आपको जवाब दे रहे हैं। नदीमुद्दीन जी समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम तो सबके साथ लेकर विकास की बात करते हैं। आप जहरीली तकरीरें बेशक पढ़ लीजिए, मुसलमान आपके साथ नहीं जाए। देखिए समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का साथ कब दिया? आज आजम खान जेल के अंदर, आज आजम खान की जिंदगी अपराधी जेल के अंदर है। अगर आप उसे जाति से देख रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम है। एक वक्त वो था कि यही आजम खान की भैंस ढूंढने के लिए पूरा फोर्स लगा दिया करते थे आप। अरे पहले सुनिए, पहले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ चलावा किया। अगर ये लोग मुसलमानों के साथ इंसाफ करते तो असदुद्दीन अवैसी का उदय नहीं होता था। माफियाओं को आप जाति से जोड़ देंगे तो नदीमुद्दीन साहब ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप आजम खान या फिर आप एक दो नाम और ऐसे गिना देंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम है। जय अतीक अहमद को आप ले लें, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। समाजवादी पार्टी को एएसपी मुसलमान वोट देने वाला नहीं है। मेरे को मौका दीजिए। समाजवादी पार्टी मुसलमानों का ठगने का काम किया है। नदीमुद्दीन जी मैं पार्टी ने मुसलमानों का ठगने का काम किया है। अभी अभी हमारे मुसलमानों को ठगने का काम किया है। ओवैसी साहब कितनी बार सड़क पर नजर आए आपकी बात। एक मिनट चुप रहिए, थोड़ा देर बात कर रहे हैं। अभी जी थोड़ा धैर्य रखिए सर, मैंने समझ लिया। अभी जी थोड़ा धैर्य रखिए सर, आप तो डिबेट का मतलब समझते हैं। रुकिए जरा प्रशांत जी बोलिए। देखिए कपिल जी ने अभी कहा कि सत्ता हमारी, हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, तो सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते। तो मेरा ये प्रश्न है कि शांतनु गुप्ता ने किताब लिखी थी सपा के शासनकाल में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश, किताब की प्रतिष्ठा में बयानों पर बात हो रही है। साक्षी महाराज मेरी डिबेट का आज मुद्दा नहीं है सर। कभी भी साक्षी महाराज मेरी डिबेट का मुद्दा नहीं है सर। आज जब वो हुआ करते थे तो उन्होंने उस पर भी बात की थी। अब रुक जाइए कपीर जी ऐसे नहीं चलेगा। एक सेकंड प्रशांत जी को रखिए नदीमुद्दीन साहब के साथ। मुझे बोलने दीजिए भैया। प्रशांत जी बोलिए। कपीर जी ने कहा कि सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते। शांतनु गुप्ता ने इन्हीं के शासनकाल में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो किताब लिखी थी उत्तर प्रदेश मुसलमान आरक्षण। उन्होंने मैं जानना चाहता हूँ आपकी पार्टी के सरकार का मैं जानते हैं वाले लोग में आना चाहते हैं जिला करने वाले लोग नहीं। दूसरी बात है आपने ओबीसी को बातें में जो नदीमुद्दीन साहब ने कह रहे थे जब तुम्हारे एमआईएम के जो अध्यक्ष हैं उनका यही एक विश्लेषण है मुसलमान को लेकर और यही उनका सोच है कि अब अगला चुनाव सिर्फ और सिर्फ कपीर श्रीवास्तव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर कि आप लोग आज भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। आप लोग आज भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है जबकि आपको लग रहा है कि ओवैसी साहब एक बड़ा डेंट आपको देने पहुंच रहे हैं यूपी में। आपको समझ में आ रहा है सब कुछ साफ साफ, लेकिन स्थिति यह है कि आप इस जहरीली सोच का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति है सर मुसलमानों के लिए। हिंदुस्तान में यहां की सरकारें और यहां का क्या रुख रहा है, यह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सुविधाओं पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। वो बयान पर भी सर जवाब दीजिएगा। छोटे से ब्रेक ले रुक रही हूं, फौरन लौट रहे हैं।
तो आप महंगाई की बात करते, आप बेरोजगारी की बात कर लेते, इस देश के संविधान की बात कर लेते जिसने इक्वेलिटी दी है इस देश के अंदर रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए। ये हिंदुस्तान का समाज और ये हिंदुस्तान का संविधान किसी को बांट करके राजनीति नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और वैसी टाइप लोग जानबूझ के इस देश को बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। आज आप मुसलमान के मुसलमानियत को देख रहे हैं, मुसलमानियत को बेचने का काम कर रहे हैं। क्या हुआ है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर, जो मुस्लिम सियासत लोग करते थे और पिछले कई सालों से मुसलमानों को एक हाशिए पे रखा गया, खाली एक वोट बैंक की तरीके से यूज करा सभी ने। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। थोड़ी सी खलबली इस बात की मची है कि पहली बार मुसलमान अपने हक की बात कर रहे हैं और ये हक उनका पॉलिटिकल हक की बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमारी भी एक लीडरशिप निकल करके आए, जो इतने सालों से दबी कुचली पॉलिटिक्स जो लोग सियासत कर रहे थे नाम लेकर के मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों के हाथ से कलम छीन करके जिन्होंने छीनी हथौड़ी। भाई समाजवादी पार्टी कहती है कि उसने तो बहुत भला किया, सभी लोग बहुत भला किया, उसने इतना भला किया कि हनुमान जयंती रोककर आपके जुलूस को अनुमति दी, और कितना भला चाहिए था आपको। देखिए क्या है, सियासत में सबकी दुकानें खुली हैं, कोई हिंदुत्व का फरमाबरदार है, कोई बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का फरमाबरदार है, कोई यादवों का लीडर है, कोई दलितों का लीडर है। अरे तो ओवैसी साहब कौन सा अलग कर रहे हैं भाई, ओवैसी साहब कौन सा अलग कर रहे हैं, वो भी तो इस्लामिक कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं ना, वो कौन से सबके मसीहा हैं। संविधान हर किसी को इलेक्शन लड़ने का हक देता है, और संविधान अपनी बात को रखने का भी हक देता है, अपने हकूक की बात को रखने का भी हक देता है। उसी अधिकार से तो आप अपनी बात को रख रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल मोहतरमा, आप भी रख रहे हैं, हम भी रख रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ ना सर, जितना अधिकार मुझे उतना आपको भी मिल रहा है यहाँ बैठ के। बिल्कुल है, स्वागत है आपका, मेरा भी स्वागत होना चाहिए, आपका भी स्वागत होना चाहिए। सुन लीजिए, पूरी मोहतरमा पूरी बात होने दीजिए तो समझ में आएगा। क्या हुआ है कि पहली बार जो मुसलमानों का वोट लेकर के उनके नाम की सियासत करते थे, उनको थोड़ा सा डर ये लगने लगा है कि मुसलमानों के मुंह में भी जबान आ गई है, वो भी अपने हक की बात कर रहे हैं। चीज ये है, मुसलमानों के मुंह में जबान आ गई है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि 0.2% वाले जो खड़े हैं उनके मुंह में इतनी बड़ी जबान तो भारतीय जनता पार्टी ने डाल दी है, और ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, ये मुल्क भी समझ रहा है, अखिलेश की जनता भी समझ रही है, इनकी स्क्रिप्ट जो है वो योगी जी लिखते हैं और वही ये बोलते हैं साहब, और देश के संविधान के प्रति ना भारतीय जनता पार्टी को रखा ना उसी बात का साथ है। अगर सरजमीने हिंद की अगर ये बात करते तो ये बंटवारे की बात नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के। 0.2% का मुकाबला 36% के साथ तो नहीं हो सकता, 28% 32% वाले के साथ 36% का मुकाबला हो सकता है। और ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, इसके देश के संविधान नहीं और इस देश की पार्टियों ने नहीं, आपको भी इस देश का राष्ट्रपति बनाया, तमाम लोगों को उपराष्ट्रपति बनाया। आप देख लीजिए, आज बड़े बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े होते थे हमारे मुस्लिम समाज के नेता अपने लीडरशिप में, मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कपिल जी वो तो ये कह रहे हैं कि आपने डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना दिया मुसलमानों को, आपने तो भर भर झोली वोट लिए थे उनके। कपिल जी उनकी टीस ये है कि जब 8% यादव उनका मुख्यमंत्री बन सकता है तो 19% मुसलमान का डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता है। मैं समाजवादी पार्टी से ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, और तंजीम फातिमा जो आजम खान की बीवी है उनको आप डिप्टी सीएम बनाइए, वो भी तो विधायक है, और एक दलित फिर से बैन छुड़वा दे क्या? आप किस तरह की बात कर रहे हैं, आप बताइए आजम खान का फिर पूरे सिस्टम को बैन छुड़वाने में लगाने का प्लान रख दिया सर आपने। भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता की इतनी तो बात करते हैं आप, तो फिर पूरे थाने को बैन छुड़वाने में लगवा देंगे। दूसरी बात ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पर पार्टी से नहीं करते, हमारे यहाँ किसी मुख्यमंत्री और किसी प्रधानमंत्री की कोई चीज नहीं है, तो अगर किसी को तकलीफ होती है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं। विनय सिंह जी आपको सच की बात कर रहा हूँ, विनय सिंह जी ठीक है, जवाब साहब रुक जाइए, पूरा समय दिया मैंने आपको, एक सेकंड रुक जाइए, अब सर थोड़ा सा रुक जाइए, बात कर रहे हैं एक सांसद है मुल्क में,
उन्होंने कौन से सिखाया तो कौन से वो पढ़ाए। एक सांसद है प्रशांत जी आपके पास आ रही, लेकिन उससे पहले विनय सिंह जी एक सवाल है मेरा। समाजवादी पार्टी में सभी नेताओं का कपिल श्रीवास्तव उनका सवाल सीधा था, आप घूम गए थोड़ा। उनका सवाल ये था कि 8% पे अगर आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो 20% का जो वोट आपने लिया उसमें डिप्टी सीएम आपने क्यों नहीं बना दिया। उनका सवाल ये था कि आपका यादव वोट बैंक तो लगभग 8% है, लेकिन 19% तो यहाँ मुसलमान वोट बैंक है जो आपको सीधे तौर पर आपके पास जाता था। आपने कव्वाली आपने जो भी जो खजूर वजूर जो भी खिलाया जैसे भी आपको मिला, लेकिन वो वोट मिला आपको, तो उसने डिप्टी सीएम क्यों नहीं आपने बना दिया। उनका सवाल सीधा ये था, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रशांत सब कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रशांत जी वो तो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब के मुंह में जो जीव डाली गई है वो आपने डाली है। देखिए ये समाजवादी पार्टी हो या AIIM ये ओवैसी साहब जैसे होता ना, आपने देखा होगा मार्केट। अरे अरे कपीश जी, अरे चुप हो जाओ, जरा बात बोलने दिया करो दूसरों को भी। जैसे जैसे दुकानें होती हैं कपीश जी, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, चुप हो जाइए प्लीज। मैं बोला था आपको, दूसरे बोला नहीं, आप चुप रहिए थोड़ा। कपीश जी थोड़ा सुन लीजिए सर, देखिए फिर आप कहेंगे कि आप विपक्ष की आवाज दबा देती है। ऐसे नहीं सर, ऐसा नहीं होगा ना, मैंने आपको आप ही बोलेंगे। प्रशांत जी बोलिए। जैसे जैसे आप बाजार में जाते हैं तो बाजार में देखते हैं कि एक ही प्रोडक्ट बेचने वाली दो दुकानें होती हैं, तो वो लिख देती है नक्कालों से सावधान। ऐसे ये लिख रहे हैं दोनों, जैसे झगड़ रहे हैं कि नक्कालों से सावधान, मुसलमानों की असली दुकान यही है। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारी दुकान असली है और हिंदू हमारी दुकान असली है, और असल में दोनों में से किसी की दुकान असली नहीं है, क्योंकि ये दोनों विकास की बात मुसलमान के लिए कभी करते ही नहीं है। ये हमेशा केवल नारों में मुसलमान को रखते हैं। अगर मुसलमानों पे जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा मनमोहन सिंह जी ने कि भारत वर्ष के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का है, तो अल्पसंख्यक के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा समय तक सत्ता की रही तो कांग्रेस की रही, तो कांग्रेस ने मुसलमानों की शिक्षा के लिए क्या किया। मुसलमान जो गरीब मुसलमान थे वो बेचारे झुकी झोपड़ी में छप्पड़ों में अपना जीवन व्यतीत करते रहे, उनके मकान बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। तब माननीय मोदी जी को ये ध्यान आया कि मुसलमानों का मकान बनना चाहिए। सर मेरा कहने का सीधा तात्पर्य ये था कि यहाँ कभी मुसलमान को किराएदार नहीं समझा गया। पूरी दुनिया में 56 मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन सबसे शांत और सबसे सहिष्णु अगर कोई देश मुसलमानों के लिए है तो वो हिंदुस्तान है। आप उदाहरण लीजिए अरब चले जाइए, आप जाइए यूरोप, आप जाइए अफ्रीका और देखिए वहां पर क्या हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, और फिर आप हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों की तस्वीर को देख लीजिए। मेरा सवाल इसलिए है कि आखिर आप भड़काने की जहर घोलने की कोशिश क्यों करते हैं मुसलमानों के लिए, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ओवैसी साहब ये करते हैं। नदीमुद्दीन जी देखिए दुनिया जाए छुरे फाड़ में, हमको क्या लेना देना है भारत से, हमें लेना देना, हम यही मरेंगे यही जिएंगे हम यही रहेंगे। हमारा ये मुल्क है, जिन्ना की थ्योरी को लात मारे और जिन्ना के साथ हिंदू महासभा अफगानिस्तान बांग्लादेश जहाँ हिंदू सिख और ईसाई अल्पसंख्यक है उनकी दशा को वहाँ देखिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, और यहाँ आप अल्पसंख्यकों को देखिए कि उनके साथ क्या सहूलियत है। मैं कह रहा हूँ जिन्ना और हिंदू महासभा मिलकर के सरकार क्यों बनाए, अकबरुद्दीन के बयानों की भी बात होगी जब आप कहते हैं कि क्यों कुचला गया। फिर तो अकबरुद्दीन को उन बयानों की बात होगी जिनमें ये साफ तौर पर कहा जाता है कि 25 करोड़ और 100 करोड़ इज इक्वल टू 15 मिनट दे दीजिए, फिर उसकी भी बात होगी, फिर आपकी जवाबदेही उस पर भी तय होगी कि 15 मिनट किसके लिए मांगे जा रहे थे। कपिल मिश्रा की बात नहीं होगी, अजीतनाथ योगी क्रिमिनल है, अकबरुद्दीन की भी बात होगी ना सर, फिर जिसने जवाबदेही उस पर भी तय होती है ना आपकी, योगी पर बात नहीं होगी। और अजीतनाथ योगी ने मुस्लिम महिलाओं को क्या किया था, इसको खबर से निकाल करके पत्रकार करो। बयान के उस कर्नाटक वाले बयान की भी बात होगी जिसमें वो कहते हैं कि हम 100 करोड़ का जवाब देना हमको आ गया है, 15 करोड़ मुसलमानों को जवाब देना आ गया है।
तेजस्वी सूर्या पर बात नहीं होगी, फिर आप इस पर मत कहिए पर बात नहीं होगी, अरे पहले उस पर बात नहीं होगी, अनुराग ठाकुर पर बात नहीं होगी, अनुराग ठाकुर ने कहा गद्दारों को, ये नहीं कहा कि मुसलमानों को, बात नहीं होगी, अनुराग ठाकुर ने कहा गद्दारों को, अगर आप उनको गद्दारों में शामिल करते हैं तो उनके लिए कहा गया, ये आपका दृष्टिकोण तय करेगा, ये आपका खुद का दृष्टिकोण तय करेगा कि आप गद्दार किसे साबित कर रहे हैं। विनय सिंह जी, विनय सिंह जी, अगर अनुराग ठाकुर ने कहा मैं जस्टिफाई नहीं करती उस बयान को, मैं सही साबित नहीं करती, लेकिन सवाल सीधा सा है कि वो गद्दारों के लिए बयान दिया गया, अगर आप खुद ये जस्टिफाई करते हैं कि गद्दार वो किसको बोल रहे थे, तो ये आपका दृष्टिकोण है सर, ये मेरा नहीं है। लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी, मैं किरायेदार और हिस्सेदार की बात बोलता हूँ, नसीमुद्दीन जी, अरे सुन वो जिंदाबादी सोच के लिए बयान था जो दोबारा फिर हिंदुस्तान के टुकड़े कराने पर आमादा है, उनके लिए था, अगर उनमें आप उनको शामिल करते हैं तो सर ये आपका दृष्टिकोण है, मेरा नहीं है। लक्ष्मी 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 जी, लक्ष्मी जी, मैं नसीमुद्दीन जी को बताता हूँ, अंग्रेजों का साथ देने वाले हमको बोलेंगे, अरे सुन तो लो नसीमुद्दीन जी, हमको बोलेंगे जिन्ना की सोच रखने वाले को गद्दारी कहलाएंगे सर, अरे जिन्ना जिन्ना की मंशा को झंडा लहराने वाले गद्दारी कहलाएंगे, अंग्रेजों का साथ देने वाले वफादार कहलाएंगे, विनय जी बोलिए, अंग्रेजों का, अरे नसीमुद्दीन जी सुन लो यार, कितना हल्ला करते हैं, अरे दम फूल जाएगा, सांस अटक जाएगी, ऐसा ऐसा हाथ आपके बोल रहे हैं, नसीमुद्दीन साहब आवाज थोड़ी कम हो गई आपकी, थोड़ा पानी पीजिए, तब तक विनय जी को बोलने दीजिए, आप पानी लीजिए, विनय जी बोलिए, बोलते 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 हाँफने लगे, थोड़ा आराम तो करिए, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा ध्यान रखिए सर, अपने अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, पानी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, विनय साहब बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ लक्ष्मी जी, देखिए 1946 में पाकिस्तान को लेकर के वोटिंग हुई थी, उस पाकिस्तान के वोटिंग में भारत के 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने का पक्ष में वोट दिया, मैं ये कहता हूँ कि उन 90% मुसलमानों में से जो यहाँ रह गए वो किराएदार हैं, और जो 10% मुसलमान जिन्होंने उस समय भी भारत के लिए वोट किया वो यहाँ के हिस्सेदार हैं, और नसीमुद्दीन आप जाकर के चेक कीजिए कि आपके पूर्वजों में से किसको वोट किया था, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे का वोटिंग हो रहा था 1946 में, तो आपके दादाओं ने या आपके पिताजी ने भारत के लिए वोटिंग किया था कि पाकिस्तान के लिए वोटिंग किया था, आपकी भाषा जो कह रही है आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे डाउट है कि आपके दादाओं ने हिंदुस्तान के लिए वोटिंग किया होगा, 90% लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोटिंग किया वो किराएदार है, और 10% मुसलमान जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए वोट किया था वो यहाँ के हिस्सेदार है और भारत के मालिक है, उनका उनका मालिकाना हिस्सेदारी है यहाँ पे, और सैयद जी और नसीमुद्दीन जी से बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे रहना चुना, रहना नहीं चुना, पाकिस्तान के पक्ष में वोट दे करके जो लोग यहाँ रह गए कर रहे हैं वो देश का संविधान इस तरीके की इजाजत नहीं देता, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, आप सही बात कर रहे हैं, आप सही बात कर रहे हैं, आप समझिए हिंदुस्तान का जब बंटवारा हो गया, क्यों मैं पाकिस्तान को बोल देंगे बेकार मुल्क की बात कर रहा हूँ, यहाँ का मुसलमान बात ही नहीं करता, बेकार मुल्क है, 90% लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग किया, मुल्क है लोग हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह गद्दार नहीं है तो क्या है, वो अगर गद्दार नहीं है तो कौन है, वो उनके लिए थप्पड़ नोक पे थाली लगा कर भेज दे, तो कैसे कर सकते हैं कि भारत में हिस्सेदारी है हमारी, बताइए ना, मुसलमान इस तरीके की बात नहीं करता, अरे जो करता है वो कौन है, मैं नहीं कहती कि मेरे देश का मुसलमान करता है, लेकिन देश के अंदर मुसलमानों की कौन कौन इस नारे वाले जो बदनाम करते हैं वो कौन है, वो गद्दार है कि नहीं बताइए मुझे, मैं आपको बता, अगर कोई इस तरीके के नारे लगाता है, जिस भीड़ में सैयद जव्वाद अगर मौजूद है, उस भीड़ में अगर ऐसे नारे लगेंगे तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि सैयद जव्वाद जैसे लोग को बदनाम किया जा रहा है, जव्वाद क्या कोई मुसलमान नहीं, मैं जव्वाद को बदनाम करने वाले लोगों को कैसे बर्दाश्त कर लूं, मैं क्यों उनको गद्दार न कहूं सर, देंगे हम, मेरी बहन आपको मैं बता दूं, ऐसी अगर कहीं पर भी ऐसी बातें होती है तो उसकी पहले करता है, अरे ऐसी कहीं बात होती है तो राहुल वीडियो आ चुकी है, क्या होता है
फिर आप कहते हैं कि इनको टारगेट किया जाता है लेकर के केरल तक जहां जहां ऐसी और उन्हीं गद्दारों के लिए ये भाषण था उनका समर्थन करते हैं कोई मुसलमान जहां भारत का टुकड़ा होने का नारा नहीं लगाता सभी मुसलमान पाकिस्तान का नारा नहीं लगाता हमेशा मुसलमानों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और ताउम्र तक लगाते रहेंगे और इस तिरंगे को मुसलमानों को सर मैंने नहीं कहा आपने सुना नहीं सर जफर साहब भारत जिंदाबाद करते हो हमारे भाई हैं और यहाँ के हिस्सेदार हैं इस देश में मालिक भी हैं आप मेन बात पर आइए लेकिन किराएदारों की प्रशांत जी ना प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे विनय जी मैं आ रही हूँ प्रशांत जी बोलिए ऐसे माहौल में कैसे बोला जाए सब लोग एक दूसरे ठीक है सर सबकी आवाज थोड़ी सी डाउन करिए ना कपीश श्रीवास्तव जी प्रशांत जी बोलिए कपीश श्रीवास्तव जी बेरोजगारी पर और किसान पर बहुत बार बोल चुके हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जाके अखिलेश यादव जी से पूछे कि 2012 से 17 तक जो उन्होंने सरकार चलाई उसने केवल 2,05,000 नौकरी पाए केवल 2,05,000 लोगों को नौकरी देता है बेरोजगारी पर बड़ी बातें आप करते हैं सरकारी नौकरी 2,00,000 दे पाए देख लेगी हम लोग 4 साल से 5 लाख पहुंच गए और उसके अलावा 2,60,00,000 हमने प्राइवेट नौकरियां दी है एमएसएम के थ्रू मैं आपको बता देना चाहता हूँ दूसरा किसान पर आप ज्ञान दे रहे थे अभी किसान पर आप समझ लीजिए 1,00,000 करोड़ का गन्ना भुगतान करके हमने रिकॉर्ड बनाया है हमने लगभग 2,50,000 करोड़ में दे दिया है और आपकी बातें मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपकी सरकार ने 2016-17 में 7 लाख टन डेंगू की खरीद की थी हमने 2021 में 56 लाख टन गेहूं की खरीद की है आज गुना अधिक लोगों को ज्ञान देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है केवल केवल घोटाले के लिए आपको सरकार में आना चाहते हैं ये सारे जितने भी हैं केवल मुसलमान को नारे में रखना चाहते हैं अरे विकास कीजिए मुसलमानों का उन्हें मुख्य धारा में लेकर आइए पीछे देखिए बीजेपी ने साफ तौर पर अपना एजेंडा सामने रख दिया है भगवान राम का नाम विकास का काम सबका साथ सबका विकास ये उनका एजेंडा है सर आपका जो एजेंडा होगा वो भी आप जनता के सामने रखेंगे ओवैसी साहब की जहरीली तकरीरें कट्टरपंथी सोच हिंदुत्व के खिलाफ जहर वो अपनी सोच सामने रख रहे हैं विनय साहब लक्ष्मी जी ओवैसी भले ही पढ़े लिखे हो लेकिन उनका काम है अफीम बोना अफीम बो रहे हैं चरस बो रहे हैं और उनको उनको हीरो मानने वाले हमको वैसे ही लगते हैं जो लोग जिन्ना को हीरो मानते हैं जो लोग रहमत चौधरी और मोहम्मद इकबाल को हीरो मानते हैं सिद्दीकी साहब को रखिए जवाब देंगे तो जो लोग जिन्ना में हीरो देखते थे मुझे वो लोग ऐसे ही लगते हैं जो लोग ओवैसी में हीरो देख रहे हैं ओवैसी की सोच चरस और अफीम बोने वाली है विभाजनकारी सोच है ये जिन्ना पाटकू है हमारा ये देश के लिए खतरनाक है ये देश के लिए खतरनाक है जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये देश के लिए खतरनाक है भाई जोशी की सोच क्या है देवेंद्र गुप्ता की सोच क्या है आदित्यनाथ योगी साहब सुनिए जरा कपीश जी महाराज इसी जनवरी में अखबारुद्दीन साहब कहते हैं कि 800 साल तक हमने देश में हमारे पूर्वजों ने राज किया सुन लीजिए जरा राम जी के विरोध में उतर आते विनय जी ये वही सोच है इसी जनवरी का मैं हवाला दे रही हूँ जब अखबारुद्दीन को कहते हैं कि 800 साल तक देश पर हमारे पूर्वजों ने राज किया 800 साल तक इस मुल्क में हुक्मरानी और जावाजी की मौलाना जी प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं मोदी जी बोलिए मोदी मत करिए कौन से पूर्वज मोदी जी बोलिए नदीमुद्दीन सिद्दीकी पूर्वजों का जिक्र करिए ना 800 साल तक किसने हुक्मरानी की मुगल पूर्वज से क्या जयचंद आपके पूर्वज है हमारे तो पूर्वज नहीं है अरे अखबारुद्दीन साहब को पूछिए ना सर आज के जयचंद अखबारुद्दीन को पूछिए जो कहते हैं कि हम जयचंद को हीरो नहीं मानते जयचंदो की औलाद जयचंदो की औलाद जयचंद को हीरो नहीं मानते आप मान रहे हो औरंगजेब को हीरो जयचंदो की औलादों से पूछो भारतीय जनता पार्टी जोधा भाई की औलादों से पूछो मुखौटा खड़ा किया हुए थे जयचंदों की औलादों से पूछिए कि उनका अरे नजीमुद्दीन जी फट जाएगा कलेजा इस तरीके से हाथ हाँ के सुबह मत बोला कीजिए आप बदतमीजी इतनी सुबह सुबह ऐसी नजीमुद्दीन साहब सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश में अगर आप अल्पसंख्यकों की हालत को देख लेंगे तो आपकी आंखें थोड़ी खुल जाएंगी दिव्य चक्षु आपके खुल जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को कितना सहयोग
कितना अपनापन, कितनी सुविधाएं, कितनी खुली छूट, कितना ओपन माहौल दिया जा रहा है। आपकी आंखें, दिव्य चक्षु आपके खुल जाएंगे। और कही ओवैसी साहब से कि जहरीली तकरीरें देश का मुसलमान क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जैसे तंबू बंगाल से उखाड़े मुसलमान ने और इस बात की गवाही दे दी कि आप मुसलमान के वसीहा नहीं हो सकते, वही गवाही आपको यहां यूपी से भी देखने को मिलेगी। छोटा सा ब्रेक, लौट रही हूं जल्द इसी मुद्दे पर, 10 मिनट बाद जी हिंदुस्तान के फेसबुक लाइव पेज पर मिलूंगी। नमस्कार।